मैं बस सोया पड़ा था, फिर घंटी बज गई। एक्चुअली नीचे जिम इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो आ रखे हैं। इतनी सारी चीज़ें, इतनी मशीनें, सब लग रही हैं। कट देने देने नहीं हो कट दी है रात रंजा चला तेरे पीछे बस मांगे तेरा साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7 बजे हैं और बहुत ही दिनों बाद आज हम रेडी हुए हैं वॉक पे जाने के लिए, क्योंकि मलन साहब की तबीयत ख़राब थी चेन्नई में। आपको पता ही है, मैंने व्लॉग डाला था, मलन साहब की हार्ट में कुछ इशू हो गए थे। उसके बाद हम लोग वॉक पे नहीं गए क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि रेस्ट करो रेस्ट करो, लेकिन बहुत टाइम से रेस्ट कर कर के मलन साहब तो फेड अप हो गए, कह रहे मैं बेड पे लेटे लेटे परेशान हो गया हूँ, तो वॉक करने चलते हैं, थोड़ा सा इससे फिट रहेंगे। तो मलन साहब, आर यू रेडी? ओए लुकिंग हैंडसम। नहीं लग रही शरीर में जाने की, तो फिर रेस्ट करो, रहने दो, मत नहीं चलते हैं थोड़ा तो करके, स्टार्ट तो करें। अब 20-25 दिन हो गए, ज्यादा ही हो गया हूं मैं। कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो आप, टच वर्ड नजर ना लगे। वैसे तो काली पहनी हुई है, काली घड़ी भी है। अभी भी वीकनेस तो है ही है, लेकिन बात वही है कि घर पे बैठे बैठे वैसे ही लगता है कि बीमार हो गया बंदा। तो चलते हैं, ये देखो नींबू पानी रेडी है हमारा, लेट्स गो। 1 hour later ओके, तो वॉक करके हम आ गए और आते हुए हमेशा की तरह दूध फ्रूट सब्जी सब लेके आई हूँ मैं, क्योंकि इतने दिनों से तो ऑनलाइन ऑनलाइन आ रहा था तो अपनी पसंद का कुछ नहीं आ रहा था, तो आज मैंने सब कुछ ले लिया। और बस अब रोज की तरह रूटीन वर्क, नहाएंगे फिर पूजा करेंगे, उसके बाद फिर किचन में जाएंगे। वैसे किचन का कोई ज़्यादा काम नहीं है, मैं और मलन साहब ही हैं। निश्चय गया हुआ है गुड़गांव नए घर में, और अभिषेक अभी दुबई के मज़े ले रहा है। ओके, तो अभी नहा के मैं आई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने, और ब्रेकफास्ट में आज बनाने वाली हूँ पोहा, क्योंकि निश्चय अभिषेक दोनों नहीं है, और पोहा के लिए ये सारी सब्जियां काट के रखी हुई हैं। और एक चीज़ और दिखाऊं आपको, ये देखो लेटस मैंने यूज़ करी थी और उसको मैंने पानी में डाल दिया, तो ये पत्ते आ गए इस पे नए नए, है ना, रिसाइकलिंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं बस सोया पड़ा था, फिर घंटी बज गई। एक्चुअली नीचे जिम इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो आ रखे हैं एंड उनको फिट वगैरह कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें, इतनी मशीनें, सब लग रही हैं। अब तो भाई डेली जिम करेगा, जब पूरा बन जाएगा फिर दिखाऊंगा मैं। लेटर दैट सेम इवनिंग बैक, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, पता साबित हो गया, साबित हो गया। ये गया था यहाँ से कि आप नए घर शिफ्ट नहीं हो रहे तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ, और चला गया। 2 दिन बाद आया और इसको फीवर हुआ हुआ है। कैसा लगा आपको मेरे बिना 2 दिन रह के? कसम से बोल रहा हूँ, कल उठा हूँ मैं, फीवर हो रखा था। उसके बाद वो जिम की मशीनें वगैरह लेकर आए, वो सेट कर रहे थे, उनको देखना, फिर उसके बाद कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, फिर मेरे को अपनी वीडियो भी बनानी थी, स्ट्रीम भी करनी थी, सब करना था, फिर इतने लोग आ रहे थे और साथ में फीवर भी हो रखा था। मैं वहाँ पे बस यही सोच रहा हूँ भाई, एक दिन ऐसा मैंने सोच लिया कि चलो अकेले जाके मैं घर पे कर लेता हूँ सब कुछ, स्ट्रीम व्रीम भी कराऊंगा। नहीं हो सकता भाई, मम्मी के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, और मैं सच बोल रहा हूँ। अब ये मजाक लगेगा आपको, कल मैं स्ट्रीम भी कर रहा था तो मैं स्ट्रीम पे भी बोला था मेरे को फीवर हो रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक पैरासिटामोल खा रखी थी। मैं घर पहुंचा हूं ना, मैं आधा तो अपने आप ही ठीक हो गया हूं। मैं सच में अभी मेरे को अपने आप ही ऐसा बेटर फील हो रहा है कि मम्मी का प्यारा, मम्मी का राज दुलारा, मम्मी के बिना नहीं रह सकता, मम्मी को देख के ठीक हो गया मैं। मैंने, अरे अभी आपने कॉफी दी ना वो गर्म, मैंने पी भी ली, ये पी के याद ही तबीयत ठीक हो गई। कॉफी नहीं मिली तेरे को मम्मी के हाथ की, खाना नहीं मिला, वो बाजार से मंगवाई थी ना, तो वो बाजार की थी, ये माँ के हाथ की है। बट हो गया, अब तो नए घर में जिम भी इक्विपमेंट भी लग गए,
पर नीचे जो बेसमेंट में गंद मचा हुआ है ना, जब आप जाओगे आप देखोगे, आप कहोगे ये क्या है, इतना कूड़ा है वहां पे, मतलब मेरे लिए काम छोड़ के आया नहीं, आपके लिए क्यों है नहीं पे, मतलब करवाना तो पड़ेगा ना। हाँ मतलब आपको किसी से करवाना तो पड़ेगा, करवाना तो पर बहुत बहुत खलेरा है। पर मैं तो अब जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मेरा पूरा सेटअप लग गया है, माइक आर्म से लेके कैमरा से लेके सब कुछ रेडी है, मैं भी रेडी। अब आप लोगों के ऊपर है। नहीं नहीं हम भी रेडी है, जल्दी कर लो शिफ्ट। लोग वैसे ही बोलने लग गए हैं क्या, कंटेंट के लिए घर लिया था क्या, कंटेंट निकल गया तो भाई भूल गए। कोई तो कहता है भाई क्या किराए पे घर लिया था क्या, कि भाई हाँ किराए पे ले लेते हैं, कंटेंट निकाल लेंगे फिर छोड़ देंगे। कोई तो बोलता है नहीं जाना तो हमें दे दो, कोई कह रहा है आप जाओ तो पुराना वाला हमें दे दो। भाई जा रहे हैं नए घर में, और ये घर भी रहेगा वो घर भी रहेगा, यहाँ भी वीडियो बनेंगी वहां भी वीडियो बनेंगी। तेरे लिए पता क्या है, क्या ये देख देख नीचे, ये बहुत बड़ी पैकिंग थी तो मैंने खोल दी। ये बहुत सुंदर निश्चय और लॉइन बना हुआ है, शेर के साथ निश्चय लिखा है, अभिषेक के लिए भी है, अभिषेक के लिए भी है। इसको चला के देख, ये बैटरी भी है साथ, देख भाई ये तो बड़ा कूल है, पूरा वो निश्चय ये तो लगाया जा सकता है सेटअप पे। हाँ यही ऊपर ही लगा लेते हैं, वो छोटा सा निश्चय जो लिखा हुआ है यही लगाना है, यही लगा ले, यहाँ लगा सकते हैं, वहाँ भी लगा सकते हैं। बढ़िया है यार, ये कलर बहुत अच्छे हैं इसके। हाँ कलर बहुत प्यारे, जब तू स्ट्रीम वगैरह करेगा ना तो ये नियॉन कलर बहुत अच्छे लगेंगे। है भी ब्लू और पिंक जो मैं एक्चुअली में रखता हूँ अपनी स्ट्रीम पर। और वो ये दो डायरीज बेस्ट फ्रेंड भेजा किसने है, ये लिखा होगा ना देख। अरे बड़े सारे नाम है भाई इसमें तो, अर्चिता, हिमाश्री, अक्षत, वराद, ईशा, प्रीक। अरे बाप रे इतनी सुंदर हैंडराइटिंग में, कितने पे वे कितने पेज है, मुझे लग रहा पूरी भरी हुई है ये। बाप रे कितने लोगों ने लिखा है, ये लिखा तो किसी एक ने है, स्टोरीज लिखी हुई है लोगों ने अपनी, बस फिर तेरे को स्टोरी टाइम मिल गया, स्टोरी टाइम के लिए वो है, स्टोरीज है पूरी पूरी, ओ तेरी आधी किताब भरी हुई है इतनी। अब तू इनको फ्रॉम योर लेसंस, अब रुलाओगे क्या, अरे बाप रे। और भी है, ये अब्बू भैया के लिए, थैंक यू गाइस टू ऑल दिस पीपल, ये सब इन सब नाम ये लो यार, कुछ ही ले लो, और तुम्हें बाकियों को भी थैंक यू सबको। ये इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, पसीना आ रहा है इक्वल टू बुखार कम हो रहा है। हाँ। और एक और गिफ्ट है, इतने सारे गिफ्ट, मेरा तो बर्थडे भी नहीं है, इतने गिफ्ट भेजती है, बड़े प्यारे हो यार तुम लोग। ये वाली फोटो बहुत बहुत ज्यादा प्यारी है। हाँ। इस फोटो से तो सब इमोशनल हो गए थे। थैंक यू गाइस, आई लव यू ऑल। Meanwhile, तो गाइस फाइनली हमें दुबई में, और दुबई में वैसे तो मैं व्लॉग करने का प्लान नहीं कर रहा था, बट फिर मैं यहाँ पर आया और हम बैठे थे अभी मस्टैंग में, और भैया हमारे को मिले हैं, और भैया का भी यूट्यूब चैनल है। भैया अपना यूट्यूब चैनल का नाम बता दो। विश दुआ। विश दुआ, एकदम फुल बॉडी शॉडी बॉडी बनाते हैं। एक बार अपने डोले फ्लेक्स कर दो। और अरे 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 ये मस्टैंग कौन सी है? मस्टैंग V6। और इसके टॉप स्पीड क्या है? आपने कितने में भगाई है? 260। ये कैटेड आउट है, ये कस्टमाइज्ड है। ओ माय गॉड, अब मेरा भी मन कर रहा है ये गाड़ी में टॉप स्पीड। कहीं है जगह यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, लास्ट एग्जिट। लास्ट एग्जिट कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से काफ़ी दूर है, थोड़ी दुबई आउटर में। चलो नहीं, इतनी दूर भी नहीं जाना चाहिए, वैसे भी दुबई के चलान बहुत मोटे हैं भाई, कहीं भी कभी भी चलान लग सकता है। बट भाई ओपन गाड़ी में चलाने का ना मज़ा अलग है, इट्स फन। अब हमने डिसाइड करा है हम जाने वाले हैं गोल्फ खेलने, और यहाँ पर गोल्फ बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले हम वहाँ गए थे बट हमारे को उन्होंने बहुत वेट करा दिया, उन्होंने बोला 2 घंटे बाद आना, तो हम यहाँ खाने आए थे, और यहाँ खा के आए और भैया को पता चला कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो यहाँ पर फेमस ही नॉन वेजिटेरियन था, तो हमारा मतलब पोपर्टी हो चुका है। बट नाउ विल गो विल प्ले गोल्फ, और वहाँ तुम्हारे का भाई देखना एक नंबर शॉट मारेगा, क्योंकि हम जो भी गेम खेलते हैं हम उसमें एक्सपर्ट हैं। तो गाइस अब हम पहुंच गए गोल्फ खेलने, और भाई यहाँ देखो मेरे सामने लैम्बोर्गिनी उरुस, भाई ब्लू कलर क्या लग रहा है, ओ हो 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 हो
लव दिस कार भाई, बहुत बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी है। और आज मुझे पहली बार पता चला कि भाई जो बोहेमिया का गाना था ना काली देनाली, उसमें जो देनाली गाड़ी है वो ये गाड़ी है भाई। क्या ये भी क्या मस्त गाड़ी है। और इस गाड़ी में हम आए हैं मस्टैंग, यहाँ पर मतलब मस्टैंग काली देनाली देनाली लम्बोर्गिनी फरारी है तो सब नॉर्मल है। यहाँ पर मुझे लगता है मेरे को शौक तब लगेगा, ओ भाई ये देखो रेंज रोवर और पोर्श। मुझे लगता है भैया यहाँ पर मुझे शौक तब लगेगा जब मुझे वैगनर दिखेगी। वैगनर यहाँ पे लिमिटेड है काफी, वो लिमिटेड एडिशन है, वो लिमिटेड एडिशन है। यहाँ पर फरारी रोल्स रॉयस वो तो ऐसी इधर उधर रुल रही है भाई। यहाँ पर जब हमें वैगनर जेन ये सब दिखेगा ना तब हमें लगेगा कि अरे ये कौन सी विंटेज कार है। और यहाँ पर खेलने आए हैं हम गोल्फ, और गोल्फ का एक्चुअली मैं तो चैंपियन हूँ, लाइफ में पहली बार उठाऊंगा मैं गोल्फ स्टिक। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, जैसे क्रिकेट खेलते हैं बस वैसे छक्का मारना। आपके तो डोले फोले, आपकी तो दूर जाएगी बॉल, मेरे से स्टिक ही छूट जाती है सही में। भाई सब टेक्निक का खेल है, मैं टेक्निक बढ़िया मेरी। यस भाई हेलो, बहुत बढ़िया एकदम मस्त। चलो आओ चले, तब हम आ गए हैं दुबई में गोल्फ खेलने। और देखो भाई गोल्फ खेलने के लिए क्या मस्त चीज है भाई ये। ओ हो आई लाइक इट भाई, ऐसा भाई काफी बढ़िया चीज है। अब देखो तुम्हारा भाई शॉट अच्छे मारते हैं बुरे मारते हैं। तो गाइस पहला शॉट ही मेरा आया है और मेरा देखना तुम छक्का मार दो क्या, फिर मार दो ऐसे पकड़ते क्या। हाँ सही है, ओके नीचे या नीचे ही 89 बार भाई पहली बार के लिए तो ठीक है यार, मेरे को लग नहीं रहा था लगेगा। लेट्स गो 89 चलो। लंगड़ना रात लंगड़ तेरे इश्क चेचना